प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक के कार्यकर्ता सब रात दिन झूठ फैलाने में लगे रहते हैं। जनता देख रही है, जनता ने देखा 10 साल में कुछ नई उपलब्धि आई जनता के सामने, बल्कि जनता को इन लोगों ने कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, किसानों को कष्ट दिया, गरीब मजदूरों को कष्ट दिया, जो जिसको ये प्रवासी कहते हैं, यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने गए, कोरोना के समय में जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया, उन बाहर से आए हुए लोगों को सैनिटाइजर किस ढंग से डाला गया, जैसे गाड़ी धुली जाती है उस तरह से सैनिटाइजर डाला गया था। लोग डर के मारे बड़े बड़े डंफर में घुस के बैठ के आ रहे थे, पुलिस वाले गाड़ी रोक करके उतार करके लाठियों से पीट पीट करके उनको पैदल भगाए हैं, साइकिल पैदल कहीं से भी इन लोगों ने ब्लॉक करके बहुत तोड़ाई किया, बड़ी पिटाई किया। ये सारे रिक्शा वाले जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, 90% कोई दिल्ली से भागा हुआ है, कोई बंबई से भागा हुआ है, यहाँ लोग आए हुए हैं। लेकिन मोदी जी एकदम देशभक्ति के नाम पे 400 पार, मंगल सूत्र, भैंस ऐसे मुद्दे लेके आए, फिर भी असर नहीं हुआ यूपी? वो तो इस बार के चुनाव में मोदी जी की बाणी पर सरस्वती जी चली गई तो कुछ रहा नहीं, तो आओ बाबक रहे थे पूरा चुनाव, उन्होंने जो बोला उसका एंटी रिएक्शन हुआ, बीजेपी के खिलाफ गया, चाहे इनका मंगल सूत्र हो, चाहे इनकी भैंस हो, और चाहे जो भी इन्होंने निकाला नारा अपना, हर फेज में निकालते हैं, चुनाव में दो चुनाव में देख चुके थे हम लोग, इसमें भी देखे, यही हम लोग वेट कर रहे थे कि अब देखिए क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, अब क्या बोलते हैं, तो देख रहे थे जो भी बोल रहे थे। आप जान लीजिए अयोध्या और बनारस में इन लोगों ने कॉरिडोर के नाम पर इतने लोगों को बेघर कर दिया है और कोई मुआवजा नहीं दिया, और तमाम ज़मीनों को तो बता दिया नजूल की ज़मीनें भगो यहाँ से, नजूल की ज़मीन है तो अवैध कब्जेदार हैं आप, तोड़ के भागिए, इस तरह से उनसे जुर्माना लेने तक की धमकी दिया इन्होंने, और कुछ लोगों को 1-2 लाख का मुआवजा देके भगा दिया, उन लोगों को रो रहे हैं आज भी फुटपाथ पे पड़े हुए हैं लोग, तो ईश्वर भी तो देख रहा है, इन लोगों को उसका दंड मिला।